हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करेंगे बिटटॉरेंट पीटी टोकन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी कुछ सिंपली स्टेप से। यहां पर ट्रॉन ने एक अनाउंसमेंट की, वो नया प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है बिटटॉरेंट स्पीड के नाम से, जहां पर आप पार्टिसिपेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट बीटीटी को क्लेम कर सकते हैं, रिवॉर्ड अपना ले सकते हैं। वो कैसे, उसके बारे में बात करेंगे, एक्चुअल में क्या कंसेप्ट है, और काफी ईजी ये रहने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि एक लाइक भाई को मोटिवेट करता रहता है, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम फ्री में ज्ञान बांटते रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रॉन ने अनाउंसमेंट जो की है बिट टॉरेंट स्पीड की, वो क्या है, आप इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं, बीटी टोकन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम प्राइस देख लेते हैं। इसका प्राइस 10 सतोशी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, अंडर वैल्यू कॉइन है इसको, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फ्यूचर में आपको काफी अच्छा गेन इसमें देखने को मिल सकता है क्योंकि पंप एंड डंप इसका चलता रहता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से, बिट टॉरेंट स्पीड गूगल में सर्च कर सकते हैं या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा। इसमें आपको कैसे बेनिफिट होगा, आपको कैसे टोकन मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको ऐसा ऐसा इंटरफेस शो होगा, उसके बाद ये बिट टॉरेंट स्पीड यहाँ पर दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाता है कि मेरे पास 34 BTT हो चुके हैं। वॉलेट इसमें आप बना सकते हैं, जो आपका वॉलेट है मैंने बना लिया, आप भी इसमें बना लीजिएगा, इजी है। तो उसके बाद आप एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ट्रॉन के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे बट आपको मिलेंगे 10 BTT मिलेंगे। मैंने सीडर बनाऊँ, मैंने अर्निंग की है इसलिए मेरे 34 हो चुके हैं, आने वाले टाइम में आपके भी इससे ज़्यादा होंगे जैसे जैसे आप सीडर बनोगे। तो सीडर और एक्चुअल में है क्या, उस ये क्यों दे रहे हैं हमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको टोरेंट के प्लेटफॉर्म पर ले चलता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये सीडर है, हमको ये बनना है, ये लीचर है। सीडर क्या होते हैं, जैसे कि एक फाइल बनती है, मैंने स्पेशली इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है बिट टोरेंट कैसे वर्क करता है, BTT क्या है, सीडर क्या है, लीचर क्या है, सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में इसमें समझा देता हूँ। सीडर वो लोग होते हैं जो कि अपनी अपलोडिंग स्पीड देते हैं, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं ये मेरी अपलोडिंग स्पीड यूज़ हो रही है, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, उसके बाद भी मैंने इस पे लगाया हुआ है, मेरी अपलोडिंग स्पीड यूज़ हो रही है, और ये अपलोडिंग स्पीड वो डाउनलोडर यूज़ कर रहा है, जो कि जो डाउनलोड कर रहा है उसको हेल्प हो रही है इसमें, क्योंकि इसमें पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो उसकी जो स्पीड है वो बंद हो जाएगी। अगर मैं सिंपल अकेला मैं उसको अपलोडिंग दे रहा हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसकी डाउनलोडिंग बंद हो जाएगी। जैसे कि ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ये वाला 700 MB का, इस पर मुझे ना डाउनलोडिंग मिल रही है ना सीडर मिल रहा है, मतलब ना मुझे कोई अपलोडिंग नहीं दे रहा, कोई भी ये टोरेंट वैसे ही पड़ा हुआ है, किसी कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, तो ये मिट्टी हो जाता है। इसमें यह है सीडर बनना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैं सीडर बन रहा हूँ, मुझे टोकन मिलते रहेंगे। और ये कैसे होता है, जैसे कि बिट टॉरेंट स्पीड है, अब मुझे चाहिए कि स्पीड ज़्यादा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा मिले, डाउनलोडिंग मेरी जल्दी हो, तो मैं इसको सेंड पे कर दूंगा कि मैं अपने जो BTT है मैं आपको भेजने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे स्पीड ज़्यादा दे दो। जो पीयर होंगे, जो दूसरे होंगे, वो अपलोडिंग स्पीड मेरे तक भेज देंगे, मतलब जितनी भी ज़्यादा होगी, जितने भी 4 पीयर अभी बता रहा है कि 4 पीयर अभी एक्टिव है, उसकी हेल्प से 5 हो गए, अब इसकी हेल्प से हम दे रहे हैं, और मेरे जो BTT होंगे उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक्चुअल में बिजनेसमैन की बात की जाए, जो कि कंपनियां इसको यूज़ करती हैं, वो ऐसे ही दे देंगी BTT, क्योंकि उनको स्पीड चाहिए होती है, उनको साथ के साथ चाहिए होता है। इसमें बिट टॉरेंट में आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें टॉरेंट में आप मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत कुछ आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको इजी रहेगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं उसको छोड़ दीजिएगा, उसको स्टॉप मत कीजिएगा। जैसे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो मेरा सीडर ख़त्म हो गया। सीडर वो होते हैं जो अपना योगदान देते हैं टोरेंट में, कि हाँ भी अपलोडिंग का, हमारी अपलोडिंग का योगदान देते हैं, क्योंकि अपलोडिंग यूज़ कम होती है ना, हमारी ज़्यादातर डाउनलोडिंग यूज़ होती है, तो अपना योगदान देना होता है, वो होते हैं सीडर। अगर मेरी अपलोडिंग स्पीड एग्जाम्पल के तौर पर 1 MBPS आ रही है और उसकी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है 100 MBPS, बट उसको डाउनलोडिंग 1 MB मिलेगी क्योंकि मेरी अपलोडिंग कम है ना, जितने ज़्यादा लोग होंगे उस हिसाब से उसकी डाउनलोडिंग स्पीड भी बढ़ेगी। ये एग्जाम्पल सबसे बड़ा है। जैसे जैसे लोग यूज़ करते रहेंगे, इसका नेटवर्क बढ़ता जाएगा और ये फाइल फैलती जाएगी,
फिर कोई नया बंदा अगर आता है उसको छोटा छोटा पार्ट सबका अपलोडिंग का मिलता जाएगा और उसकी जल्दी से डाउनलोडिंग हो जाएगी। और पीयर टू पीयर सिस्टम है लाइक ए सिस्टम टू सिस्टम, अगर बाई चांस नेट मेरा बंद हो जाता है बाकी लोगों का ऑन रहता है तो उसकी फाइल उसको शेयर होती रहेगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वैसे टोरेंट फाइल शेयर में सीडर और लिंचर का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। सीडर की बात की जाए, सीडर वो लोग होते हैं जिनके कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है, जिनके सिस्टम में फाइल पड़ी हुई है और वो अपलोडिंग में अपना योगदान दे रहे हैं। पर लीचर की बात वो होते हैं, लीचर वो लोग होते हैं, लीचर या लीचर लगा लो, वो लोग होते हैं जो डाउनलोड करके भाग गए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने योगदान नहीं दे रहे, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जितने ज़्यादा सीडर होंगे उतने ही डाउनलोडिंग की स्पीड बढ़ेगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या मूवी है या कोई भी पायरेट मूवी है, कुछ भी है, तो वो उसमें आपको देखने को मिलेगी। सीडर जितने ज़्यादा होंगे आपको स्पीड भी उसी हिसाब से मिलेगी, लीचर जितने ज़्यादा हुए और सीडर कम हुए तो आपको डाउनलोडिंग स्पीड भी कम मिलेगी। अगर आप टोरेंट यूज़ करते हैं आपको पता होगा कहीं में स्पीड काफ़ी कम आती है, यहाँ तक कि मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, मैं काफ़ी योगदान देता हूँ लोगों की हेल्प करने में कि हाँ भाई उनको फाइल शेयरिंग में हेल्प मिले, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं। यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड आती रहती है जैसे जैसे लोग फाइल शेयर करते हैं। मैं हमेशा सीडर में रहता हूँ, लीचर नहीं बनता, ताकि लोगों को कुछ भी डाउनलोड करना है वो ईजिली डाउनलोड कर लें। आपको समझ आ रहा होगा नहीं होगा तो मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी से आप इसका योगदान करके आप इसमें अर्न कर सकते हैं। मैंने इसको लगा के आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं, इसको हटाओगे तो आप सीडर बने हुए आपके यहाँ पर जो BTT हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे, फिर बाद में आपने सेल करना है जो करना है। क्योंकि मैं 5-6 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म लगा है। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख देंगे फोटोशॉप टोरेंट डाउनलोड, या कोई मूवी करना चाहते हैं उस मूवी का नाम आगे लिख दें टोरेंट डाउनलोड, तो वो आपको टोरेंट की फाइल मिल जाती है और आप इजीली उसको डाउनलोड कर पाएंगे। काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको HD क्वालिटी में चीज़ें मिल जाती हैं, पायरेटेड मूवी काफ़ी होती हैं इसमें, बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, आपकी इच्छा आप करना चाहते हैं, मेरे मना करने से कौन सा रुकेंगे। मूवीज जो लेटेस्ट आती हैं लोग वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म आप ढूंढ लीजिए टोरेंट का कौन सा प्लेटफॉर्म है, देन आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं और सीडर बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीडर बना हुआ मूवीज़ के, मैंने मूवीज़ के हाइड कर दिए, मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेसी इशू, तो वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वेबसाइट खोल ली, अब इस पर मैं करता हूँ टोरेंट डाउनलोड, टोरेंट डाउनलोड पर क्लिक किया तो उसके बाद मुझे ऐसा शो हुआ, उसमें कह रहा है कि मैग्नेट लिंक या डाउनलोड। मैग्नेट लिंक है कि सीधा बिना फाइल डाउनलोड हुए मेरे टोरेंट पे खुल जाएगा। अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल एक डाउनलोड हो गई, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही ओपन करूँगा आप देखोगे यहाँ पर आपको शो हो गया कि हाँ ये है मूवी, मैंने हाइड कर दी है जान के, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शुरू होएगी, आप देखो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये मेरी डाउनलोडिंग स्पीड है, ये अपलोडिंग है, मतलब मेरे ख्याल से सीडर कम है फिलहाल अभी, बट मैंने शुरू कर दिया, जैसे ही लोग आएंगे मेरी डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी और जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड मेरे को नहीं दिख रही, अपलोडिंग स्पीड भी नहीं अभी हो रही शुरू, क्योंकि मेरे डाउनलोड नहीं हुए। जब पूरी फाइल डाउनलोड होने के बाद मैं इसका सीडर बन जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग अभी नहीं हो रही क्योंकि कोई सीडर ही नहीं है, किसको इसको डाउनलोड करके कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यही है ना उसको बेनिफिट होगा। उसके बाद जब मैं ये कर दूंगा कि मैं चाहता हूँ कि पीयर मिले मेरे को जहाँ से भी है, मेरे को जल्दी डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर करके वो सीडर को सर्च कर देगा, 7 मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये जैसे ही मैंने किया यहाँ पर मेरी डाउनलोडिंग शुरू हो गई, उसने सीडर ढूंढ के मेरे को बता दिया आपका शुरू हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है, 100 kbps मिल रही है स्पीड, वो सीडर उसने ढूंढ के इसमें ठूस दिए। तो यही चीज़ है, ये शुरू हो जाएगा जैसे ये पूरी डाउनलोड हो जाएगी फाइल, उससे बाद मैं सीडर बन जाऊंगा और मुझे BTT मिलेंगे। अभी मैं BTT इनको दे रहा हूँ कि भाई डाउनलोडिंग कर दो, मैं आपको BTT दे सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि आप अपलोडिंग में अपना योगदान देंगे तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है एक किस्म से पूरा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। इसमें 1 GB की फाइल को आप 100 KB बना के आप आदान प्रदान कर सकते हैं कोई भी चीज़। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को ना सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है 10 GB का, या कोई गेम चाहिए, तो मैं करूँगा उसकी टोरेंट फाइल बना के आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, भाई इस पे क्लिक कर दे मैं अपलोडिंग दे रहा हूँ अपनी, तो मैं यहाँ से करके आपको कर सकता हूँ, चाहे आप जितना मर्जी दूर बैठे हो। तो ये प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज, इसको बोल सकते हैं, तो एक किस्म से बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आपको फ्री में BTT आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसको ऑफ करना चाहे तो कर सकते हैं, आप सिर्फ आप योगदान देना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में भी आया होगा कि एक्चुअल में क्या प्लेटफॉर्म है और फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अर्न कर सकते हैं। उसके बावजूद भी नहीं समझ आया तो आई बटन में वीडियो है भाई, देख लीजिएगा, ऊपर ही आपको मिल जाएगी, उसमें आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में प्लेटफॉर्म क्या है।
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई माड़ा नहीं है। टोरेंट आप यूज़ करो, जो पहले से यूज़ करते हैं आप बिट टोरेंट स्पीड को यूज़ कर लीजिएगा, जो ट्रॉन ने अभी फिलहाल लॉन्च किया है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। इन्जॉय द लिटिल थिंग, छोटी छोटी बातों को एंजॉय करो। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है कि नहीं रही है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं नीचे लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है नहीं कीजिएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ पाए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। और अगर आपने मेरे को सोशल मीडिया पर नहीं फॉलो किया है, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरे को ग्रुप में फॉलो करके आप कुछ भी दिक्कत है कोई परेशानी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं एनी टाइम, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।